root x upon root x dx. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन काफी इजी है. सिर्फ अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, i इक्वल टू, अब यहाँ पर ऐसा कोई टर्म दिखाई दे रहा है क्या जिसका डेरिवेटिव उसी के अंदर हो, मतलब एक टर्म है उसका डेरिवेटिव और एक टर्म वहां पे होगा. जैसे वो एग्जांपल, वो थोड़ा सा बेसिक इजी है, एक ऐसा टर्म बताओ जिसका डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन के अंदर फिर से. टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पर, एक है x रेस टू 9, एक है x स्क्वायर और एक x रेस टू 10. कोई टर्म का डेरिवेटिव फिर से वही पर है क्या? कौन सा? x रेस टू 10. x रेस टू 10 का डेरिवेटिव बराबर 10 इंटू x रेस टू 9 एन x रेस टू 10-1. सिमिलरली यहाँ पर कितने टर्म्स है टोटल, एक साइन, एक रूट एक्स और ये वन अपॉन रूट एक्स. ऐसा टर्म जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर है रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स. तो रूट एक्स अगेन आया वन अपॉन रूट एक्स. हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, वो टर्म जिसका डेरिवेटिव वहां पर है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी. ठीक है, अगेन ये डीएक्स है, अगर मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो ये विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स होगा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर यहाँ पर टी है सो दिस शुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ टी. तो इसको भी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी या एक्स कुछ भी करो, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स. देयरफॉर डी एक्स क्या होगा, टू रूट एक्स डी टी. सब कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स मतलब टी अपॉन ये रूट एक्स आल की पैजिटिव, क्योंकि dx की जगह पर क्या लिखना है, टू रूट एक्स डी टी. रूट एक्स कैंसिल, टू आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस सी री सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज टी, रूट एक्स. सो कॉस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है, मतलब जो टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट, डीएक्स को भी सब्स्टिट्यूट, सॉल्व इंटीग्रेशन एंड अगेन री सब्स्टिट्यूट. जैसे ये भी सॉल्व कर लो, फिर नोट डाउन कर लो, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करें, एक्स रेस टू 10 वाई, एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव वहां पर ऑलरेडी है. ठीक है, सो लेट एक्स रेस टू 10 इक्वल टू टी, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव 10 एक्स रेस टू 9, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स. देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 10 एक्स रेस टू, सब कुछ सब्स्टिट्यूट, सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 9 सेक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 10 मतलब टी, डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन 10 एक्स रेस टू 9, एक्स रेस टू 9 कैंसिल, 1 अपॉन 10 इंटीग्रेशन ऑफ sec square t dt. What is integration of sec square t? Tan t. So tan t plus c. Again re-substitute. What is t? X raise to 10. So tan x raise to 10. Yes, Amdeko. Why? Because derivative of log x is 1 upon x already वहाँ पर है, जो cancel होगा. बराबर, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, लेट लॉग एक्स इक्वल टू टी, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी अपॉन डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी. सब कुछ सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स इक्वल टू टी टी रेस टू एन अपॉन एक्स डी एक्स मतलब एक्स डी टी, एक्स कैंसिल, टी रेस टू एन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एंड फाइनली री सब्स्टिट्यूट, वॉट इज टी, लॉग एक्स. आंसर इज लॉग एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन नेक्स्ट कितने टर्म्स है यहाँ पर, दो टर्म्स, कौन से, एक्स सेक एक्स एक्स टैन एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव कोई है, tan x का डेरिवेटिव sec square तो वहाँ पे नहीं है, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो किसी तरह वो फॉर्म में ला सकते हैं इसको पहले, ये जो sec x raise to n है, can we write sec n minus 1 x into sec x tan x,
रेस टू वन ना, ये एन था, एन को हम लोगों ने स्प्लिट किया, एन माइनस वन और प्लस वन एक ही हुआ, बिकॉज आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस ये क्या होगा, सेक एक्स सेम टर्म में मल्टीप्लीकेशन, पावर्स विल एड, सो एन माइनस वन प्लस वन मतलब एन, बराबर, मतलब ये ऐसा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स रेस टू एन माइनस वन सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, यहाँ तक राइट है. अभी किसको सब्स्टिट्यूट करें, sec x, why, because derivative of sec x is sec x tan x, substitute let sec x equal to t, differentiating derivative of sec x tan x or t ka dt by dx, therefore dx equal to dt upon sec x tan x, sab kuch substitute, therefore I equal to integration of sec x equal to t, so t raised to n minus 1 sec x tan x और dx की जगह पर dt upon sec x tan x cancel, integration of t raised to n minus 1 with respect to dt, t raised to n minus 1 plus 1 upon n minus 1 plus 1, right hand, x raised to n, integration x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1, यहाँ पे n minus 1 था तो n minus 1 plus 1 upon n minus 1 plus 1, so minus 1 plus 1 cancel, so सिर्फ आएगा t raised to n upon n, and what is t, so final answer will be sec x raised to n clear है. चेक करो कोई किसी का डेरिवेटिव है क्या वहां पर, साइन कॉस ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, या फिर डेरिवेटिव कॉस एक्स इज साइन एक्स, प्लस माइनस साइन का डिफरेंस होगा सिर्फ, तो किसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, कॉस एक्स ना, यहाँ पर कॉम्प्लिकेट, सेकेंड स्टेप इज दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड कौन है, सिर्फ साइन एक्स कॉम्प्लिकेटेड है या वन अपॉइंट वन प्लस कॉस एक्स कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो एक तो 1 प्लस cos x को t सब्स्टिट्यूट करो या सिर्फ cos x को t सब्स्टिट्यूट करो, व्हाई, बिकॉज़ 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस cos x माइनस sin x आया, या सिर्फ cos x को सब्स्टिट्यूट करो t, बिकॉज़ cos x का डेरिवेटिव भी माइनस sin x होगा, बराबर है, तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो आंसर विल बी सेम, तो यहां पर हम लोग सिंपलिसिटी के लिए सब्स्टिट्यूट करते लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, डेरिवेटिव डेरिवेटिव वन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, सब कुछ सब्स्टिट्यूट, सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स मतलब टी, और डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी अपॉन बराबर साइन एक्स कैंसल, माइनस साइन बार, वन अपॉन टी डी टी, वॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी, लॉग टी री सब्स्टिट्यूट, सो माइनस लॉग, वॉट इज टी, वन प्लस अगर हम लोग सिर्फ कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर भी आंसर सेम ही आने वाला है, कैसे, सी लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, उसी समय लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स सब्स्टिट्यूट, सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन वन प्लस टी डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स कैंसल, माइनस इंटीग्रेशन dt upon 1 plus t, what is integration of 1 upon 1 plus t, log 1 plus t, and what is t, I same answer, t
ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन कुछ भी करो, सिर्फ रूल क्या होना चाहिए, जो भी सब्सटीट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए फॉर कैंसिलेशन। इसका आंसर, फोर्थ का आंसर, लॉग 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे देखो माइनस, हाँ ये वाला, यहाँ पर कोई किसका डेरिवेटिव है, sec x का डेरिवेटिव, और cosec x का तो है नहीं यहाँ पे, तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सी सेवन सम, सेवन सम में सब्सटीट्यूट x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टी, सो x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट, सो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, जाता रहा बराबर है, ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, सो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, इफ यू टेक टू कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर तो ये क्या आएगा, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन, ये टी था, टी रेस टू थ्री बाई टू, और डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, सो टू एक्स माइनस थ्री कैंसिल, ये क्या होगा, टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू माइनस थ्री बाई टू डी टी, वन अपॉन टी रेस टू थ्री बाई टू था, तो ऊपर जाके टी रेस टू माइनस थ्री बाई टू, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्म है, सो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो टी रेस टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। इसका मतलब मुझे ओरली एट एक 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 ट्राई करते हैं, x प्लस लॉग x, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट से शुरू करते हैं, x प्लस लॉग x, x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, एलसीएम लेके क्या आएगा, 1 x प्लस x, है क्या ये कहीं पे, है ना, x अपॉन 1 प्लस x, ये कैंसिल होगा, नाइन्थ प्रॉब्लम, नाइन्थ में क्या सब्स्टिट्यूशन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, बराबर ना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स अपना एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर इज टू टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है x अपॉन रूट वन माइनस एक्स रेस टू फोर, एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स रेस टू, जो कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन, एक एक टर्म चेक करते हैं, सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो टू एक्स, ये नहीं, कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर, वो भी नहीं, साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, ना एक्स स्क्वायर मिला, बराबर, सो लेट साइन एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डेरिवेटिव साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर, और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, सब कुछ सब्सटीट्यूट, सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब रूट टी, मतलब साइन एक्स क्यूब इज टी, डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब कैंसिल, वन अपॉन थ्री आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी टू बाई थ्री टी रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद री सब्स्टिट्यूट, व्हाट वाज टी, टू अपॉन नाइन साइन एक्स क्यूब रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी।
यहाँ पर क्या करें सब्स्टिट्यूशन, ई रेस टू थ्री एक्स भी कर सकते हैं या फिर ई रेस टू थ्री एक्स प्लस वन, तो डायरेक्टली ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इक्वल टू टी, सॉल्व कर लो। ई रेस टू थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू थ्री एक्स इंटू थ्री, तो dx कितना हुआ, dx इक्वल टू dt अपॉन 3 e रेस टू 3x सब्स्टिट्यूट, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू 3x अपॉन t dx की जगह पर dt अपॉन 3 e रेस टू 3x। वन अपॉन टी लॉग t का था e रेस टू 3x किसको सब्स्टिट्यूट, sec x, sec x को सब्स्टिट्यूट करो या 3 sec x, थ्री सेक एक्स प्लस वन पूरा का पूरा टी ले लो बिकॉज वन का डेरिवेटिव वैसे भी जीरो होगा। थ्री सेक एक्स प्लस वन इक्वल टू टी या सिर्फ सेक एक्स इक्वल टू टी ले लो, एक ही आंसर आएगा। इसका आंसर वन बाई थ्री लॉग थ्री सेक एक्स प्लस वन प्लस सी, वहां पे सब्स्टिट्यूट ई रेस टू एक्स प्लस एक्स बिकॉज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो डायरेक्टली टेक ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन है कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, पहले सिंपलीफाई कर लो, क्या सिंपलीफाई करें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट कॉस एक्स अपॉन एलसीएम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कैंसिल, अभी कोई किसी का डेरिवेटिव है, कौन सा पार्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा पार्ट, बिकॉज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी लेंगे तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स और इसका माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये पार्ट आएगा, या फिर तुम लोग इसको भी टी ले सकते हो, ये भी राइट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स और ये cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस माइनस प्लस होगा, तो अगर इसको t लोगे तो ये आएगा कैंसिल होने के लिए, कुछ भी t ले लो।